जहां आ गए वहीं से लाइन शुरू हो गया थैंक यू विद एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आई सल्यूट ऑल द बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स प्रोफेशनल्स फिल्म मेकर्स एंड डिस्टिंग गेस्ट आई वुड लाइक टू एडमिट दैट मिसेस कल्पना मुंशी is a teacher in true sense. i have learnt a lot from him and it has been a learning experience for me. so i salute you also, mrs. kalpana munshi. before i proceed further, let me come out with some observations. a. vindeji jistrasa bhadkarinha or jistrasa bhoorinha. और जिस तरह से बेस के ऊपर बेस के ऊपर बेस इतना बेस तो अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों का मिला के भी नहीं होगा और जैसे डायलॉग डिलीवरी कर रही हैं मैं बहुत पहले पाकिस्तान गया था और कई बार गया हूँ वहाँ पे, तो वहाँ के कस्सा सुना दूँ वहीं किसी ने बताया था जितनी गाढ़ी आवाज़ में बोल रही हैं एक आदमी पहुँचा हलवाई के पास पाकिस्तान में मुझे सुनाया था और उसने कहा जनाब आपके पास काढ़ा है क्या काढ़ा हलवाई ने जवाब दिया काढ़ा तो है मगर इतना गाढ़ा नहीं है इतना आप कह रहे हैं बहुत गाढ़ा कह रहे हैं अब इनकी अंग्रेज़ी भी सुनी बड़ी अच्छी है इनकी हिंदी भी सुनी बहुत अच्छी है तो एक किस्सा पाकिस्तान का सर विव रिस्पेक्ट आपके नजरिए हम पेश करते हैं कि वहाँ एक बहुत सिंगर बहुत मशहूर थे हिंदुस्तान की नाज़िया हसन आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए उसका फेलिस्टेशन था कराची कौंसुलेट में और मुझे चीफ गेस्ट की हैसियत से बुलाया गया था और वहाँ पे जो अम्बेसडर था हाई कमिश्नर थे जो बाद में हाई कमिश्नर हुए वो थे बहुत नामचीन आदमी उनका नाम बाद में बताऊंगा और वो साउथ इंडियन थे अब वहाँ पे मैं जैसे आज कल्पना मुंशी जी जब बोल रही थी तो जो रुक नहीं रही थी ही रही थी तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ ये करके उन्होंने बोलते बोलते कल्पना जी ने बहुत कुछ और भी कह दिया और मैं उनकी हिम्मत की भी दाद देता हूँ कि हमारे छोटे भाई और मित्र राज पुरोहित बैठे हुए हैं उससे उन्होंने जिक्र किया कि मैं 20 साल से ज़्यादा हुआ इनको जानती हूँ मी टू के ज़माने में ये सब नहीं कहना चाहिए ये ज़माना मी टू का है तो जरा सा कहने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए कहीं इसका फार रीचिंग इम्पैक्ट तो नहीं होगा बहुत दूर तक इसका इम्पैक्ट जा सकता है इसलिए मैं देखिए अपनी हर बात को बहुत संभाल के बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ गया तो मेरी मुझे यही फिक्र थी कि मैं किस भाषा किस भाषा किस ज़ुबान में बात करूँ कराची कौंसलेट अब वहाँ पर एक से एक मौलाना एक से एक लर्नड एक से एक अच्छे अच्छे लोग आए हुए थे तो मैं अपनी तैयारी कर रहा था कि मैं किस ज़ुबान में बात करूंगा। तो मैंने कहा कि चलो मैं जितनी उर्दू आती है उतनी उर्दू में बात करूंगा। तब तक ये मौलाना साहब आए और उन्होंने जो उर्दू बोली उन्होंने स्टार्ट किया कि जनाब खातिन हजरात आज शाम के जलसे में जलसे के मे, जलसे शाम के महफ़िल के या जलसे के जो सदर जो जनाब मेहमान ख़ुसूसी हमारे भाई अपने आए हुए शत्रु शत्रुमुर्ख सेना, शत्रुघ्न सिन्हा को उन्होंने शत्रुमुर्ख कर दिया वहाँ पे। मुझे लगा मैं इसीलिए आया था यहाँ पे शत्रुघ्न से शत्र, शत्र, शत्रु शत्रुमुर्ख बनने उन्होंने कहा जनाब सेना साहब जो आए हैं हम इनका खैर मकदम करते हैं इनका इस्तबाल करते हैं और जनाब को हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और जनाब से हम ये ख़्वाहिश रखते हैं अब ऐसे ही उर्दू बोली तो मेरे उर्दू का ख़जाना तो वहीं ख़त्म हो गया हमने कहा अब तो मैं उर्दू में बात ही नहीं कर सकता हूँ तो हमने फिर शुरू किया कि सोचा बच्चा जितने अंग्रेजी अंग्रेजी में बोल लेता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो अंग्रेजी अच्छी तरह समझते हैं तो मैंने कहा मैं इंग्लिश में बात कर लूँगा विथ एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड मैंने तैयारी कर ली कैसे शुरू करूँगा तब तक तो कोई ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर साहब थे वो खड़े हुए क्योंकि आप जानते हैं मेहमान खसूसी या जो चीफ गेस्ट होता है उसका हमेशा मौका लास्ट में आता है तो दूसरे साहब शुरू हुए अब उन्होंने ऐसी वी की तरह इतनी गाढ़ी अंग्रेज़ी बोली आई वी जस्ट फील

तो हिंदी में बात करने की जब मैंने हम फ़ैसला कर लिया कुछ भी हो जाए हम पाकिस्तान आए हुए और नाज़ी आसन को सलामी के लिए उसके खैर मक़दम के लिए उसके इस्तबाल के लिए उसके फलिसटेशन के लिए तो मैंने कहा कि अब हिंदी में बात करेंगे तो मैंने हिंदी की सोच ली वहाँ पे तब तक वो अम्बेसडर साहब खड़े हुए जो साउथ इंडियन थे और आप सब उनको जानते हैं उनका नाम बताऊँगा अभी सब बखूबी जानते हैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वो खड़े हुए जनाब शंकर अय्यर और शंकर अय्यर ने जो भाषण दिया उसके बाद मैं कहाँ बेहोश हुआ आज तक मुझे होश नहीं आया क्या कहा क्योंकि जब वो शुरू हुए शंकर अय्यर तो उन्होंने कहा कि भारतीय राजदूतावास के प्रांगण में सायंकाल की गोधूली बेला में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए जो हार्दिक उल्लास की अनुभूति मुझे हो रही है उसका मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता और मैं बेहोश हो गया और मेरी कहानी वही खत्म हो गई करके तो आज एक तो मेरी मुश्किल ये थी कि मैं क्या करूं फिर दूसरी मुश्किल ये थी कि समय सीमा क्या होगी कितनी देर बोलूं क्योंकि जब लास्ट में आखिरी में बोलने की घड़ी आती है तो क्या बोलूं कितनी देर बोलूं क्या बोलूं पे तो बाद में आता हूं कितनी देर बात करूं मुझे याद आया एक बहुत मशहूर किस्सा सुना था हमने कि एक पाठान वो बिल्ली को बहुत प्यार करता था अपनी बिल्ली को कैट को बहुत प्यार करता था और बिल्ली के बगैर रह नहीं सकता था कहता तो मुझको अपना बिल्ली से बहुत प्यार है मैं इसके बगैर रह नहीं पाएगा तो रह नहीं पाएगा एक दिन कहीं बहुत ठंड थी बहुत ठंड थी बिल्ली को अपने हाथों में लेकर नहला रहा था नहला रहा था बहुत ठंड थी कोई सामने से गुजरा उसने कहा क्या कर रहे हो आप पठान साहब आप बिल्ली को नहला रहे हो इतनी ठंड में अरे मर जाएगी कहता तो ये नहीं मरेगा ये हमारा अपना बिल्ली हमको बहुत प्यार करता है हमको छोड़ के किधर नहीं जा सकता है नहीं मरेगा खैर साहब समझाने वाला समझाया नहीं माने वो चला गया शाम को लौट कर आया तो देखा कि ये पठान धाड़ धाड़ जार जार रो रहा है ओ हम लुट गया तबाह हो गया बर्बाद हो गया हमारा बिल्ली हमको छोड़ के चला गया हमारा बिल्ली मर गया तो वो आदमी कहा कि पाठान साहब मैंने तो आपको कहा था कि आप बिल्ली को ऐसे नहला रहे हैं ठंड में ठंड से मर जाएगी वो ओ ये खुदा की कसम हमारा बिल्ली नहलाने से नहीं मरा वो तो निचोड़ने से मर गया <laughs> तो मैं भी सोचा मैं क्या करूं कहीं ऐसा तो नहीं निचोड़ने के घर ही है तो मैं निचोड़ नहीं सकता हूं इसी पे एक और सुना दो पॉलिटिशियन बैठे हैं राज पुरोहित जी अब हम लोग के पॉलिटिक्स में नेताओं की बड़ी आदत होती है माइक्रोफोन देखा चिपक गए पब्लिक देखी हटने का नाम नहीं लिया लंबी लंबी बातचीत करते हैं। बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं कई बार तो ऐसा लगता है कि वो भी कहीं कल्पना मुंशी जी के भाई बहन ना हो जिस तरह जिस तरह से बोलते जाते हैं वो अब बोलते बोलते नेताजी बोलते गए उन्हें एहसास हुआ कि ज़्यादा बोल गए हैं बहुत ही ज्यादा बोल गए एहसास हुआ उनको उन्होंने कहा भाईओ बहनों क्षमा कीजिएगा बात दरअसल यह है हमको ज्यादा बोल गए हैं और बात यह है कि हमारे पास घड़ी नहीं है ना तो हमको समय का अंदाजा नहीं हुआ तो सामने से किसी बैठे हुए छोरे ने कहा अबे ओ नेताजी पीछे पलट कर कैलेंडर देख लेते तारीख बदल चुकी है कैलेंडर देख लेते हैं हाँ तो तारीखें बदल चुकी है अब बोले जा रहे हैं ही होता है समय सीमा कितनी देर बोलूं और क्या बोलूं क्या बोलूं यानी मन की बात नहीं मन की बात तो कर ही नहीं सकता हूं मन की बात तो खैर कर ही नहीं सकता हूं क्यों मन की बात पर पे तो पेटेंट राइट किसी और का है तो मैं मन की बात कैसे कर सकता हां दिल की बात की जा सकती है लेकिन जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि दिल की बात यानी कि वो मीटू का जमाना है इसलिए दिल की बात भी थोड़ा संभल के करना चाहिए चंद लोग भाग्यशाली हैं या शायद उतना अच्छा उनके उनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है उनमें से एक मैं भी हूँ जो अभी तक मीटू का इल्ज़ाम मुझ पर नहीं लगा है इसीलिए मुझे कहा गया कि इस कार्यक्रम में फिल्म मेकर्स का है कंज्यूमर फिल्म सी एफ बी पी का की ए जी एम मीटिंग है ए जी एम मीटिंग है क्या बोलते हैं उसको ये उनका प्रोग्राम है फिल्म मेकर्स का अब इन लोगों का है यहाँ पर चलना है तो संभल के चलिए मेरे वाइफ को कहा गया कि इनको ले चलिए हमने कहा ठीक है वाइफ को साथ रखा गया हमने कहा रक्षा कवच बना के भेजा गया कि यही मेरी यही रक्षा कवच है साथ साथ लोग देखेंगे तो समझेंगे कि भले ही हैप्पली मैरिड है हैप्पली मैरिड है इस पर कोई मीटू का इल्ज़ाम नहीं है ये देख के कन्फर्म हो जाएंगे हालांकि पुरानी बात है आप तो सब जानते ही हैं लोग कहते हैं मर्दों के मामले में ख़ास कर कि मैन कैन बी इधर हैप्पी और इधर ही कैन बी हैप्पी और मैरिड ही कान बी बोथ इन आर केस आई एम सपोज टू बी मैरिड एंड माई वाइफ होप विश इज हैप्पी तो यह है इनको लेकर आया हमें बताया गया कि नहीं देखिए मैं तो जैकेट पैंट शर्ट जो वहाँ दिल्ली की राजनीति में रहता हूँ पहनता रहता हूँ थोड़ा डिफरेंट हो कुर्ता पजामा कम पहनता हूँ उसके लिए राज पुरोहित को छोड़ा हुआ हमने लेकिन हमने तो वो पहन, पहनता हूँ आज कहा कि नहीं आप चलिए वहाँ पे क्योंकि वहाँ सूट बूट की सरकार है नहीं सूट बूट की सरकार मतलब सूट बूट का बाजार है सूट सूट बूट वाले लोग आ रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से सूट वगैरह दिया गया मुझे कि ये पहन लीजिए वहाँ पर और वहाँ चलिए और बात कीजिए कुछ देखिए कुछ सीखिए बहुत अच्छा सीखने को मिला बहुत ही अच्छा सीखने को मिला प्रोग्राम बहुत अच्छा था इतनी हौसला अफजाई की है अभी श्रीमती राज लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं इनके भी हाल में एक बहुत पुस्तिका आई है किताब आई है उसका टाइटल है कंज्यूमर इज़ द किंग मैं कहूँगा थोड़ा बढ़ा के कंज्यूमर किंग ही नहीं है कंज्यूमर द किंग कॉन्ग है सब कुछ तो उसी के लिए हो रहा है सब कुछ उसी के लिए हो रहा है क्वांटिटी भी उसी के लिए हो रही है और क्वालिटी के लिए फिक्रमंद भी हम उसी के लिए है। और जिन चीज़ों को आपने फिल्म मेकर्स के जरिए कल्पना जी आपने पेश किया है स्पेशली जो स्ट्रीट प्ले पेश किया वो लड़के बहुत अच्छे थे मैं अपने को देख रहा था अपने मैं खुद एफ टी आई आई का ट्रेंड हूँ मैं भी ट्रेनिंग से ही आया हूँ फिल्मों में डॉक्टर बत्रा वगैरह बैठे हैं मेरे बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड हैं और इन्होंने शुरू से मेरा ग्रोथ देखा हुआ है इस डॉक्टर बत्रा को मैं देख रहा हूँ एफ से आने के बाद मुंबई में चंद महानुभाव मुझसे मिले थे और तब से आज तक दोस्ती के प्रगाढ़ संबंध में मी टू में नहीं प्रगाढ़ संबंध में फंसे हैं तो डॉक्टर बत्रा बैठे हैं तो मैं एफ़ की नज़रों से देख रहा था उन जो बच्चों ने परफॉर्म किया स्ट्रीट प्ले इतने लोगों के सामने अच्छे अच्छे नहीं कर पाते होश उड़ जाते हैं जो काइंड ऑफ उनके अंदर कॉन्फिडेंस देखा कमिटमेंट देखा बहुत हद तक पैशन देखा और कंफर्ट लेवल देखा हाईली अप्रिशिएटिव, हाईली अप्रिशिएटिव, गज़ब था उन बच्चों में उसी तरह शॉर्ट स्टोरीज लेकर आए आप यहाँ पे फिल्म मेकर्स को लेके आए शॉर्ट फिल्म मेकर्स को लेके आए आप लोगों ने इन लोगों की हौसला अफजाई की बहुत अच्छा किया हम आपके साथ हैं और ऐसे इस प्रोग्राम को सही मायने में क्रिएटिव और कंस्ट्रकटिव प्रोग्राम कहा जा सकता है मैं बहुत दिल से आपकी तह दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपको बधाई देता हूँ जो मैंने हंसी मजाक कुछ बातें कहीं कही तो सची थी लेकिन उसका उसका बुरा मन मानी वो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है आप तो बहुत झेल चुके उस और झेल तो हम चुके हैं बहुत तो ये लेकिन लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा रहा और मैं ऐसे किसी कार्यक्रम में जिससे कि कंज्यूमर का जिससे फिल्म मेकर्स का जिससे हमारे एक्टर्स का स्ट्रीट प्ले करने वाले आर्ट एंड कल्चर के मामले में भी अगर मेरे आने से कुछ इजाफा हो सकता है मजबूती या बुलंदी आ सकती है तो निसंदेह संदेह नहीं संकोच आप मुझे याद कर सकती हैं मैं आज का आपका आज के रामायण के राम का छोटा भाई शत्रुघ्न दशहरे किस घड़ी में पुनः वचनबद्ध होता हूँ कि हर हाल में आपका हूँ आपका था और आपका रहूँगा लॉन्ग लिव सी एफ पी सी सी ए सी एफ बी पी ऑल ऑफ यू जय महाराष्ट्र जय हिंद क्या बात